तो मोबाइल से निकलते ही हमें जस्ट दिया गया वाटर बॉटल, और ये रहा हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। चलिए इसको खोलते हैं और दिखाते हैं क्या है इसमें। तो ये रहा कुछ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, चलिए बताते हैं क्या क्या है। ये रहा चॉकलेट, और ये रहा एक मिठाई है, ये कचौड़ी, ये गुलाब जामुन, और ये रहा पैटिस, और साथ ही हमें मिलता है एक नमकीन छोटा सा, और उसके साथ ही एक फ्रूट जूस। चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं। हाँ जी, तो खाने की टेस्ट की बात करो तो ये बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बस थोड़ा सा क्या है, गर्म नहीं था क्योंकि इसे ऑन बोर्ड किया गया था ना बाहर से, बस यही था, और बाकी बहुत ही अच्छा था खाना, A1 था टेस्ट के मामले में, A1। और बस कुछ नहीं, बाहर के व्यू एंजॉय करिए। ट्रेन अपनी रफ्तार में चली जा रही है अच्छी खासी। और ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये है मालवा एक्सप्रेस। या हम दूसरे साइड से भी मालवा एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं, तो दोनों साइड मालवा एक्सप्रेस और बीच में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए यहाँ पर रश, हाँ जी, तो हम लोग अराइव हो रहे हैं उज्जैन जंक्शन पे, और वहाँ की क्राउड देख सकते हैं आप, इस कितनी ज़्यादा क्राउड है इस वंदे भारत ट्रेन में एंटर करने के लिए।
गणपति योजना से प्रारंभ किया था और हमारे इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी हैं। सांसद जी, किस प्रकार की तैयारी इंदौर हाँ जी, तो उज्जैन से निकलते हमें मिला लंच, और लंच में क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये रहा दाल, ये रहा सूखी सब्जी, ऊपर है सैलड्स, उसके बाद आता है राइस, राइस के बाद है आपका गुलाब जामुन, फिर पनीर है, उसके बाद पिकल्स है, और ये पराठा है। सो फाइनली वी हैव रीच्ड इंदौर जंक्शन। और अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, खाने से लेके क्लीनलीनेस के मामले में एवन रहा। और ये अभी हम गुजर रहे हैं इंदौर जंक्शन के कोचिंग डिपो से। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, अगर ये नॉवल जर्नी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। और चैनल पे नया तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब, ऐसे ही और वीडियो आएगी। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं आपको लाइब्रेरी अपडेट्स वगैरह दूंगा, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर लें। ये रहा नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप जाके देख लें। और चलिए मिलते हैं फिर किसी जर्नी में। बाय बाय।